बोल साचे दरबार की जय। रामचंद्र भगवान की मतलब तुम पहले चलाओ ये इसका हम उद्घाटन करने के लिए आए हैं। कोई भी देश जो है उसके लिए जो है एक कनेक्टिविटी जो है उसकी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे ही जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी के टाइम में जो है काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, सुपर एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तो इसके लिए जो है हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये मांग तो ये काफी पुरानी मांग थी। रही है पंचायत, ये तो पंचायतों वाली तो बात ही नहीं है। अब ये मैं ये कहना चाहूंगा जो भी वैष्णो माता के जो यात्री आएंगे उनका भी जो सफर जो है ये कम होने वाला है। जो भी जम्मू से हमारे इम्प्लॉइज जो है जिन्होंने पठानकोट जाना है या जिन्होंने कठुआ जाना है तो वो सब जो है उनकी जो है रास्ता जो है ये कम होने वाला है। तो ये पंचायतों वाली तो बात है। वैसे ये बबिया से लेकर तो पहाड़पुर तक ये जितनी भी पंचायतें हैं 7-8-10 पंचायतें इनको कवर करते हैं। इसके लिए हम अपने माननीय करण अत्री जी का आभार करते हैं। इन्होंने ये पहले अब इतना में विस्तार में टाइम लगेगा कैसे कैसे करके इन्होंने इसको लाया है, कैसे कैसे पापड़ बेले हैं, वो थोड़ी सी लंबी बात है। इनका भी करण अत्री जी का आभार है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, जो कि हम पिछले 15 साल से डिमांड कर रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब जी का और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जी का, और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद करते हैं हमारे DDC करण अत्री जी का, जिन्होंने हमारी हर बात एक समय समय पर हमें पूरा साथ दिया और हमारी हर बात को पूरा किया। जैसे हमारे लिंक रोड हैं, हमारे 57 लिंक रोड इन्होंने बनवाए हैं, और आज ये जो बड़ा रोड जो 42 करोड़ की लागत से बन रहा है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, उसके साथ PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, और हमारे बीच जो आज हमारे DDC मरीन DDC करण अत्री जी, उनका भी भावे स्वागत है, और लोगों का, और आपको भी पता है झगड़े से लेकर बबुरिया जो पार्टी से लेकर और शाला दिन तक ये रोड का काम जो शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ा यह है कि इन लोगों को जो सीमा क्षेत्र के पास लोग रहते हैं इनको इसका बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जो लोग सीमा क्षेत्र के पास कोई दुकानदार है जहाँ कोई कारोबार है, क्योंकि इनका जो कारोबार होता था वो इन्हीं गाँव के ऊपर ही होता था, आज जो रोड है ये बॉर्डर के सीमा क्षेत्र के जाकर और शानलाल दिन से मिलेगा, वो उससे क्या होगा जो पंजाब वाले लोग हैं वो कम से कम वो इधर से गुजरेंगे, जब इधर से गुजरेंगे और रोज़गार जो हमारे दुकानदारों का भाइयों का जो इस सीमा क्षेत्र के पास रहते हैं उनका रोज़गार बढ़ने का यही लाभदायक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही कार्य है कि हर तरीके से हर लोगों को विकास के साथ और रोज़गार के साथ जोड़ना है। मेरा नाम विक्रम सिंह, पंचायत मेरी शानलाल दीन के, मैं सरपंच हैं। अच्छा, साढ़े बॉर्डर एरिए दा मेरी पंचायत का इन्ना माड़ा हाल है कि जिहड़ा मैं मनियारी शानलाल दीन दा चलिया मनियारी गाँव तक आया, मिगी 6 किलोमीटर का सफर मोटरसाइकिल पर 1 घंटे दे विच मैं पुज्जिया इत्थे, और अज जिहड़ा ये रोड है प्रधानमंत्री सड़क योजना च जिहड़ा इहदा अज उद्घाटन होया, इहदे लई मैं करण अत्री हुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद करना कि इन्हें इंदे प्रयासें कन्नै जिहड़ा है ये रोड दा अज कोई टेंडर शेंडर होई गया आखा दे, ते डॉक्टर साहब हुंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करना कि कुदा साढ़े बार्डर वाले ने भी इन्हें सुध ली है। पर मैं इन्हें ये आखना कि
मनियारी दे बजाए जेडे उधर खड्डे इन्ने पेदे ना साढ़े अज लोकें की इन्नी माड़ी हालत है। इस रोड दे बनने कन्नै किन्ना फायदा होना? फायदा मैक्सिमम जेडियां तीन चार पंचायतां ने इनेंगी बड़ा फायदा है, क्योंकि लोग जेडे असें गी हुण बाया उधर सांझी मोड़ दे मतलब अस हीरा नगर जेड़ा शार्टकट एरिया पई जाना, असें 13 किलोमीटर इत्थों हीरा नगर पई जाना चन लाल जी, उधरा कोई तकरीबन 25 किलोमीटर पौंदा है। ते ए रोड बनने कन्नै काफी फायदे ने साडे लोकें गी, कहंगे जिमीदारें गी फायदे ने। कुदा शुक्रिया अदा करना चाहिए? शुक्रिया अदा करने अस डॉक्टर जतेंद्र सिंह हुंदा, अपने डीडीसी करनात्री हुंदा। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप अभी जीरो लाइन पर खड़े हो, ये बिल्कुल पाकिस्तान के पास लगता गाँव है मनियारी, और ये पूरा जो रोड है ये भी पूरा वाटर क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़ी एक सौगात है, एक तोहफा है। और मैं सभी मनियारी गांव के लोगों को, पूरे पानसर पंचायत को, बबिया पंचायत को, शानलाल दीन पंचायत को, जितनी डिजाइनिंग 5-6 पंचायतें, सबको बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि ये कई अरसों से इनकी डिमांड चली आ रही थी कि हमें रोड चाहिए, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और इन्होंने 70 साल हुआ लोगों के, खाली नेता इन्हें आश्वासन ही देते थे कि आपका रोड बहुत जल्द बन जाएगा, हाँ कहते, लेकिन बाद में कोई पूछता नहीं था इनको। और जब मैं इनके पास इलेक्शन लड़ने आया तो इन्होंने मुझे यही डिमांड मेन रखी कि हमारा ये रोड है, इसके बारे में कुछ सोचो, अगर इसको बनाओगे तो हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। और लोगों ने मुझे दिल खोल कर वोट डाले, इतने वोट डाले कि मैं इनका ये एहसान कभी भूल नहीं सकता। और उसी के उपलक्ष्य पर आज मैं ये रोड का उद्घाटन कर रहा हूँ। इस रोड पर लगभग 42 करोड़ रुपये खर्च होने वाला है, और भी कुछ इसका डंगा भर का ड्रेनेज है, कलवर्ट है, काजवे है, पुल है, और 14 किलोमीटर रोड है ये PMJSY का। और ये इसकी BT होगी 18 फुट, ये डबल रोड बनेगा, और ये सिंगल रोड नहीं, डबल रोड बन रहा है ये। और ये जम्मू कश्मीर में एक ही रोड सेक्शन हुआ है जो PMJSY, जो हमने जो ये इसको कराया है, जो बबिया से पहाड़पुर तक जाएगा। और इसके लिए मैं सभी अपने गाँववासियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं लोगों को रोष रहता था कि हमारा, एक तो लोग जहाँ टूरिस्ट आते हैं वो, उनको आने के लिए सड़कें नहीं अच्छी। तो मैंने जितने भी इनके छोटे लिंक्स थे वो सारे मैंने पहले बनवा चुका हूँ इनके, मैं कम से कम 20 सड़कें, इनकी मैं बॉर्डर क्षेत्र में बात करूँ तो वो बना चुका हूँ, चाहे वो मनियारी रोड है, चाहे वो पानसर रोड है, चाहे वो कड्याला रोड है, चाहे वो छानटांडा रोड है, चाहे वो चक चंगा रोड है, चाहे वो चक बुहाना रोड है, चाहे वो करोल रोड है, चाहे वो गुजर चक रोड है, कोई सड़क मैंने इनकी छोड़ी नहीं है जो छोटे लिंक थे। अभी मेन हमें यही रोड की जरूरत थी, जो सबको जोड़ती थी। और आज इसको भी जब हमारे सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और सारी हमारी पार्टी हाईकमांड की मेहरबानी से आज ये रोड के हमें पैसे मिले हैं, सेक्शन हुआ है, रोड का टेंडर हुआ, अभी इसका ठेकेदार ने काम शुरू किया आज, तो मैं इसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूँ। और अपने जितने भी हमारे भाई यहाँ पे, जितने 22 विलेज हैं हमारे यहाँ जो बॉर्डर क्षेत्र में पड़ते हैं, 22 गाँव हैं, उन जो आज ये रोड उनको सबको जोड़ेगा। और जहाँ खाली ये बॉर्डर के लिए नहीं है, ये पूरे पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर ये सीधा जम्मू कश्मीर को ये रोड सबको जोड़ेगा, ये कब, क्योंकि ऐसे हमें कोई 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था अगर हमें पंजाब से बात करें तो, अब सीधा हम जहां बम्याल से ये सीधा निकलेगा पहाड़पुर को, और पहाड़पुर से सीधा जाएगा सांबा को, सांबा से सीधा हमारे जम्मू को। और बड़ा शार्ट रोड है और बहुत बढ़िया रोड बना, और काफ़ी पैसे हैं इसमें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज़ बनेगी। और लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी अपनी ज़मीनें इसके लिए, रोड के लिए छोड़ी हैं। क्योंकि करण जी ये बताइए कि इस लागत से ये सड़क बन रही है और कितने पंचायतें जो हैं वो जुड़ रही हैं? देखिए ये पंचायतें तो जुड़ रही हैं, पूरी स्टेटें भी जुड़ रही हैं, जैसे हमारे पंजाब स्टेट आ गई, दिल्ली स्टेट आ गई, हरियाणा, ये सारा सबको जोड़ेगा ये रोड, और काफ़ी क्षेत्र इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट रोड है, हमें जो सीधा J&K को जोड़ता है सीधा जम्मू कश्मीर। आज उद्घाटन हुआ जिस काम का, उसमें कितना लागत का काम, जो पहले फेज में जो टेंडर लगा वो कितने का है? अभी ये 12 करोड़ का टेंडर लगा है, उस 12 करोड़ के साथ ही हमारे जो ब्रिज है उसका भी, इन्होंने जो 12 करोड़ वाला ना, उसके साथ ही हमारे ब्रिज के टेंडर भी हो गए हैं, कल उसका भी सर्वे ले गए हैं। ये लगभग 42 करोड़ रुपये खर्च होगा इस पर रोड पर। अच्छा, हाँ, इसका पूरा सेंक्शन। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि 2024 में चुनाव भी हैं जहाँ संसद के, पार्लियामेंट के, तो कितना फ़ायदा होगा भाजपा को इस तरह की डेवलपमेंट से? देखिए डेवलपमेंट देखी जाए तो भाजपा को इसका कोई मुकाबला नहीं है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है। आज जब से
हम देख रहे हैं 7 सालों से, जो 8 सालों से जो डेवलपमेंट हुई है, आज हाँ आप देखो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, चाहे 6 लेन बन रहा है, चाहे हमारे ये बाडे क्षेत्र में जितनी सड़कें हैं, कंडी क्षेत्र में जितनी सड़कें हैं, मैक्सिमम सड़कें, मैं अपने ब्लॉक मडीन की बात करूँ तो मेरे मडीन ब्लॉक में लगभग 150 सड़क जो नई बनी है और 40 सड़कें अभी हमारी सेंक्शन है जो नई अभी उसके टेंडर हो चुके हैं। इस तरह के जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं किसको श्रेय देते हैं? इसको मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देता हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब बैठे हैं, हमारे रविंद्र रैना साहब बैठे हैं, माननीय अशोक कोल जी बैठे हैं, ऊपर प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब बैठे हैं, सबको श्रेय जाता है सब, और अपने जितने कार्यकर्ता हैं हमारे, जैसे हमारे सुनील सिंह जी हैं, कुलदीप जी हैं, दीवान सिंह बंटू जी हैं, विक्रम सरपंच जी हैं, हमारे बिट्टू सरपंच जी हैं, बिट्टू वर्मा जी हैं, जितने भी हैं सारे सबको श्रेय जाता है। हमारे देवराज हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, केवल शर्मा जी हैं, हमारे कुलदीप सिंह जी हैं, हमारे कुशाल सिंह जी हैं, सारे सबको, हमारे नायब सरपंच जी हैं, अमन जी हैं, अमन जी सबको, हमारे पंडित जी हैं। जनता को क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं अपनी जनता को यही जहाँ से अपने संदेश देना चाहता हूँ कि आपको कभी भी हमारे लायक सेवा तो हम तो 24 घंटे हाजिर है ही हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपके जो भी पेंडिंग काम थे हम सब करेंगे, और जैसे पहले हमारा साथ दिया ऐसे आगे भी साथ देते रहिए, आपको कोई कमी आने वाली नहीं है, जो वायदे हमने किए हैं वो भी पूरे होंगे, जो नहीं किए हैं उससे भी बढ़ चढ़ कर हम और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे और आपको किसी काम की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आज बॉर्डर क्षेत्र है हमारा पूरा, आज सीज फायर है, पहले आपको पता था जहाँ फायरिंग होती थी, आज सीज फायर है जहाँ हमारे बॉर्डर, तभी हम जहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हो सके, नहीं तो जहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी फायरिंग होती थी। आज जो तारबंदी के आगे पहले बार खेतीबाड़ी हो रही है, तो ये पहली बार 22 सालों के बाद पहली बार खेतीबाड़ी शुरू हुई है। उसके साथ ही बॉर्डर की रिजर्वेशन की बात करें तो 70 साल हुआ हमें डिमांड करते हुए, पहले बार हमें बॉर्डर के क्षेत्र लोगों को 0 to 6 किलोमीटर में रिजर्वेशन मिली है। इसके साथ ही हम पार्टी हाईकमान से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे बॉर्डर के नौजवानों के लिए एक ओपन भर्ती रैली होनी चाहिए, ताकि हमारे जितने भी पढ़ लिख कर हमारे नौजवान बेकार घर पे बैठे हैं बेरोजगार होकर, इनको कोई नौकरी का साधन मिलना चाहिए। इसके लिए हम पार्टी हाईकमान से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि एक ओपन रैली जल्दी बॉर्डर क्षेत्र के लिए, कंडी क्षेत्र के लिए अलग, और 2 भर्ती रैली हो तो हमारे पूरा मडीन ब्लॉक जो है बहुत तरक्की कर रहा है, और बहुत आने वाले समय में हमारा मडीन ब्लॉक जो है वो एक मॉडर्न ब्लॉक बनने जा रहा है।